दोस्तों, यदि आप अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकता है आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम। आपका पेमेंट पर लगाया जा सकता है रोक, या फिर आपको मिले हुए पैसे को लौटाना पड़ सकता है। एक बड़ी मामला है जो कि आपको मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि आप अबुआ आवास योजना का लाभुक है, यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके साथ नुकसान भी हो सकती है। तो क्या वो कैटेगरी है जिसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिटेलमेंट। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग आप देख पा रहे होंगे, यहां पे देख सकते हैं अबुआ आवास के लाभुकों के भुगतान पर वीडियो ने लगाई रोक। अबुआ आवास योजना के भुगतान पर वीडियो ने रोक क्यों लगाई, क्या कारण है, चलिए जानते हैं। साथ में यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो केवल रोक ही नहीं लगाया जाएगा, यदि आप इस क्रिटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको दिए हुए पैसे को वापस भी लौटाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है मामला और कहां का है मामला। यहां पे देख सकते हैं कटकम सांडी प्रखंड के खुटारा और लुपुंग पंचायत में अबुआ आवास के निर्माण में बड़ी अनियमितता को लेकर वीडियो सविता सिंह ने 5 लाभुकों के आवास भुगतान पर रोक लगा दी है। इन लाभुकों में खुटारा गांव में, यहां पे लाभुकों का नाम भी दिया हुआ है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, एंड इन लोगों का पेमेंट को रोक लगा दिया गया है अबुआ आवास योजना का। साथ में इनको दिया हुआ पेमेंट वापस भी लिया जा सकता है यदि जरूरत पड़े तो, जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे देख सकते हैं वीडियो सविता सिंह ने बताया कि स्थलीय जांच क्रम में इन लाभुकों का पूर्व से ही पक्का मकान घर हुआ पाया गया। तो देख सकते हैं मामला क्या है, आप समझ गए होंगे कि इनका पहले से ही पक्का मकान बना हुआ है, इनका कोई ना कोई आवास योजना का लाभ मिला होगा या फिर खुद से घर बनाया हुआ है। तो यदि आप भी इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, पहले से ही आपके पास पक्का मकान है या फिर कोई भी आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास का लाभ पहले से मिला हुआ है, तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आपका कोई शिकायत कर देते हैं तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, यदि आपके जांच क्रम में पक्का आवास पहले से पाया गया या फिर आपको कभी भी आवास योजना का लाभ मिला है किसी भी विभाग से, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वीडियो ने इन 5 लाभुकों की आवास योजना का पेमेंट को रोक लगा दिया गया है और यदि जरूरत पड़े तो इनको वसूली भी किया जाएगा, वापस भी लिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ कहां से शुरू, यानी कि किस वजह से इन लोगों को अब वो आवास योजना का लाभ मिल गया। जांच तो कई बार हुआ, ग्राम सभा भी हुई, तो कहां पे क्या गलती हुई, किनसे गलती हुई जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। यहां पे देख सकते हैं ग्रामीणों का कहना है कि आवास निर्माण कार्य को कार्यान्वित करने वाले कर्मियों ने राशि लेकर गलत लोगों का आवास निर्माण के लिए चयन किया गया है, जबकि जरूरतमंद गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने रिपोर्टिंग अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग किया गया है। बिल्कुल सही कहना है इन लोगों का, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, 100% होने चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई 100% होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन कई बार किया गया, ग्राम सभा किया गया, फाइनल सूची कई जांच पड़ताल होने के बाद बनाई गई, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की दोषी इसमें जरूर है, क्योंकि उनके माध्यम से जांच किया गया और जांच के बाद फाइनल सूची बनाया गया और फाइनल सूची के बाद इन लोगों को पेमेंट किया गया। यदि आपके पास भी पहले से कोई पक्का मकान है या फिर किसी भी आवास योजना का लाभ पहले से मिला हुआ है तो आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि यदि शिकायत आपके ऊपर किया गया तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सचेत हो जाइए, यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपके साथ नुकसान हो सकती है, क्योंकि अब वो आवास योजना का लाभ केवल वैसे ही लाभुकों को दिया जाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है जिनके पास पहले से कोई भी पक्का मकान नहीं है, जिनको पहले से किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, सरकारी जॉब के अंतर्गत कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है, टैक्स पेमेंट नहीं करता है, फ्रिज वगैरह उनके पास नहीं है, 4-व्हीलर कोई भी वाहन नहीं है, 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है, 7 एकड़ से ज्यादा कोई भी भूमि नहीं है, तो ऐसे ही परिवारों को आवास योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने योजना बनाई हुई है। दोस्तों, अब आवास योजना का लाभ किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे तो मैं शॉर्ट में इस वीडियो में बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ट्वीट यहाँ पे किया हुआ है प्रमोद गुप्ता जेएमएम जी की ओर से, यहाँ पे देख सकते हैं 23 मार्च को ही ये ट्वीट किया हुआ है और ये पेपर कटिंग यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अबुआ आवास योजना या फिर कौन सा सरकारी योजना पे अगला वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट कीजिए, अबुआ आवास योजना से रिलेटेड कौन सा वीडियो स्पेशली चाहिए उसके लिए भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट